हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही गजब तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चे, मैंने आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से दो फेजेस के बारे में बताया, दो फेजेस से इंट्रोड्यूस किया और उस फेज के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बात किए हुए हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सारे बच्चे जो है अपने शिद्दत से बेटा पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर जिन बच्चों को कभी भी कहीं पे दिक्कत होती है तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा बच्चे, ठीक है। आप बच्चे देखते तो वीडियो हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो यार, जिससे मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई भी दिक्कत आ रही होगी, आपको कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, है ना। मेरे को पता ही नहीं चलेगा बच्चे जब तक आप कमेंट नहीं करोगे। तो आप कमेंट कीजिएगा बेटा, ठीक है। अपने दोस्तों तक ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा, और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। क्यों बच्चे, क्यों शेयर करने बोल रहा हूं, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। बेचारे पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा दुख में होंगे, उनका भी कुछ भला हो जाए भैया, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भैया आप कॉलेज भी चले जाओ, ठीक है। आप पास हो गए तो कॉलेज भी जाओगे साथ में, तो आपको कुछ भला करना है बेटा, ठीक है। क्या करना है, भला करना है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है। क्लियर सर, बच्चों को समझ में आया। अब अपन बच्चे फेज 3 के बारे में बात करते हैं। अब फेज 3 के अंदर ना प्यारे बच्चे अपन को क्या करना होगा, समझ लो। फेज 3 के अंदर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करूंगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे एक बार जो एटलीस्ट एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना बेटा। क्या कर लेना, पीरियोडिक टेबल देखना, मतलब हमारी जो आवर्त सारणी है ना, जहां पे 118 एलिमेंट अरेंज रहते हैं, एकदम ब्लॉक्स में डिवाइड रहते हैं, सारी चीज आप बहुत जबरदस्त तरीके से जो है नोट कर लेना, लिख लेना, या फिर बेटा इसको जो है बुक के जो पीछे में दिया रहता है, ठीक है, वहां पे भी बेटा आप लोग उसको एटलीस्ट एक से दो बार जो क्या करना, रीड कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी चीजें क्या होती है, कौन सी ब्लॉक कहाँ पे होती है। जो जैसे कि हमको जो है एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, तो एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में बात करना, जो हमारे जो 3D आवर्त सारणी होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज आपको पहले से पता चल गई तो आप जो आने वाले चैप्टर्स है ना, यहाँ पे बहुत गजब तरीके से फोड़ने वाले हो। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया, तो चलिए बच्चे फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। और ये हमारा क्या होने वाला है, चैप्टर नंबर 6, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और एवं प्रक्रम। इसको शॉर्ट फॉर्म पे मैं क्या बोल देता हूं बेटा, मेटलर्जी, धातु कर्म बोल रहे होते हैं। अब धातु कर्म से हमको बेटा बहुत ज्यादा चीजें हमको नहीं पढ़नी पड़ती, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कितनी सारी चीजें पढ़े यहाँ से, ये चैप्टर से मेरे को समझ नहीं आता। बेटा बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसको उस लेवल पे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, मतलब इसको जो रिलेट नहीं कराया जाता। लेकिन मैंने बच्चे आपके लिए चैप्टर बहुत सुंदर तरीके से क्या किया, प्रिपेयर किया, और आपको चीजों को रिलेट कराया कि कैसे चीजें करती है, कैसे एक धातु जो है कैसे प्रोसेस से होकर गुजरता है, इसके बारे में मैंने बात किया हुआ है। अगर जिन बच्चों को रिवाइज करना हो तो आप 2x में करके वीडियो बेटा क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या फिर बेटा ये वीडियो लेक्चर आप 2x में करके भी बात कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चों को समझ में आया, चलिए बात करते हैं अब झाग उपप्लवन विधि बेटा, ठीक है। अब बेटा हमारा जो मेटल होता है वो तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है, पहला जो होता है सांद्रता, ठीक है, दूसरा होता है बेटा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात, जो हमारी आती है रिडक्शन की बारी, अब चयन की बारी आती है, उसके बाद बेटा हमारा प्यूरिफिकेशन की बारी है, शुद्धता की बारी आती है, शोधन की बारी आती है, ठीक है। तो तीन फेज में हमारा जो मेटल होता है वो प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है, तो उसमें पहली जो फेज होती है सांद्रता की, वहां पे बेटा हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि हमारा बेटा ये जो टॉपिक्स है यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको जो है इस लिस्ट के अंदर रखा हुआ हूं। क्लियर सारे बच्चों को, झाग उपप्लवन विधि, झाग उपप्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्व पृथक्करण विधि, ये तो तीन विधियां बेटा, ये तो तीन विधियां है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे देखो ध्यान से समझना, क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, वापस से यही कंसेप्ट वापस लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बोला हुआ हूं, वापस से ये चीजें मैं बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, अंत तक बोलूंगा कि भाई हमारा जो तीन नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे हर एक सेट पे अलग अलग आने वाला है, अलग अलग आने वाला था, हमको उस बेसिस पे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चे ध्यान से सुनो, झाग उपलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये गुरुत्वीय पृथक्करण बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। अनदर छोटे एग्जांपल की बात करता हूँ, या फिर छोटे बोलता हूँ, सॉरी यार, ठीक है, छोटे नहीं, अनदर जो हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा जो अनदर कंसेप्ट होता है, मतलब कि बेटा वहां पे जो लीचिंग होती है, जिसको आप बोलते हैं प्रक्षालन, प्रक्षालन बोल रहे होते हैं, तो वो प्रक्षालन के बारे में मैं आप बताऊंगा। विद्युत अपघटनी विधि जहां होती है एल्यूमिनियम की, बेयर्स प्रोसेस जो हम बोलते हैं, वहां पे मैं इसको आप लोग कवर कर लेना, क्या बच्चा कवर कर लेना, मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ इसको, ठीक है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जब प्यूरिफिकेशन के केसेस पे आते हैं तो क्रोमेटोग्राफी और जोनल रिफाइनिंग, बेटा क्या होता है, मंडल परिष्करण जिसे हम बोलते हैं, तो ये दो प्यूरिफिकेशन, ठीक है, जोनल रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी, ये दो प्यूरिफिकेशन के जो मेथड है ना, उसको आपको डेफिनेटली करके जाना है, क्या बेटा डेफिनेटली करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कई बार बेटा। ये जोनल रिफाइनिंग, जो मंडल परिष्करण विधि है ना, ये कई बार पूछा गया है,
कई बार पूछा गया, तो इसको करके जाना है। क्लियर सारे बच्चों को? बहुत सिंपल यार, ठीक है, इसमें कुछ और बात करने की नहीं है। अब देखो यहाँ पे बेटा हमको क्या करना है, विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि बेटा आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। विद्युत अपघटन क्या होता है आपको समझ में आता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे जिससे वो मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सिंपल। ये हमारा विद्युत अपघटनी विधि होगा, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे विद्युत अपघटनी विधि के अंदर आपको सिर्फ दो विद्युत अपघटनी विधि पढ़नी है। पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा, तांबे का विद्युत अपघटन का विधि। इसको एक ही क्वेश्चन में मैंने मर्ज कर दिया, लेकिन आपको इसको अलग अलग सेपरेट करके पढ़ना है या फिर एक ही साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। बस रिलेट करते जाना है और वहां पे एक डब्बा बनाना और इसको अलग अलग करके लिखना, एक साइड से बेटा, बीच में साइड एक डिब्बा बनाना, ठीक है। अलग अलग पेज में क्या करना है, उसको स्लाइड को बांट लेना। अब इस साइड में बेटा आप लोग तांबे की जो है विद्युत अपघटनी विधि लिख देना, और इस साइड में क्या है एल्यूमिनियम की विद्युत अपघटनी लिख देना, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया बाबा? ठीक है, देखो तांबे और एल्यूमिनियम की विद्युत अपघटनी विधि, इसको बहुत बेहतरीन से करके जाना, क्योंकि ये भी बहुत ही बार जो है पूछा गया। और एल्यूमिनियम की विद्युत अपघटनी विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेयर्स प्रोसेस बोल रहे होते हैं, बेयर्स स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना भैया, जब एल्यूमिनियम की विद्युत अपघटनी विधि पूछा जाए मतलब बेयर्स विधि के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? समझ में आया? अब बच्चे यहाँ पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, फोलियोदार तांबा कैसे प्राप्त होता है। तो बेटा यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर की बात की गई, ब्लिस्टर कॉपर मतलब फोलियोदार तांबा जो है कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से बताया है बेटा। वहां पे आप लोग अगर सारे वीडियो लेक्चर्स सही से फॉलो किए हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही गजब तरीके से बेटा मक्खन तरीके से तैयार हो गए होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? तो चलिए बच्चे नेक्स्ट जो है टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं फटाफट। बच्चे इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब सेवन के ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर पी ब्लॉक के एलिमेंट की ऊपर बात करते हैं बेटा। पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, मैंने आपको बोला कि हमको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो है याद करके रखनी है। पीरियोडिक टेबल का सारे जो एलिमेंट है उसे एटलीस्ट एक बार देख लेना, जिससे आपको जो ये चैप्टर्स बहुत ये जो टॉपिक से बहुत इजी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आया पी ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट आपको जो है 11th के अंदर पढ़े होंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर मैं बात करता हूँ बेटा, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर हमको कुछ बहुत बेहतरीन चीजें पढ़नी होती है। हालांकि चैप्टर ये बेटा बहुत ज्यादा जो है थोड़ा सा जो लेंथी चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, यहाँ से जो है बहुत सारे हमको चीजें पढ़नी होती है। लेकिन आप अगर मेरे जो है सीरीज देखे हुए तो वहां पे मैं पी ब्लॉक कराया हुआ हूँ, और पी ब्लॉक के अंदर जितनी चीजें मैंने कराई है बेटा, अगर एटलीस्ट उतनी सारी चीजें आप कर लेते हो ना, उतनी सारी चीजें कर लेते हो तो आपके प्रिपेयर हो जाएगी पूरी की पूरी पी ब्लॉक जो है प्रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सीरीज था बेटा एग्जाम सीरीज, वो जो है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के ओरिएंटेड ही था, मतलब उसी के हिसाब से ही था, ठीक है। वहां पे पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिस्कवर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के क्वांटिटी से उसको जो है बनाए हुए हैं, ठीक है बच्चा। समझ में आया? क्लियर बच्चों को? अब देखो बेटा यहाँ से देखना, ठीक है, अमोनिया का जो क्वथनांक फॉस्फिन से अधिक क्यों होता है, ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहां से जो एक बात बता दूं बेटा, पी ब्लॉक के एलिमेंट को कभी आप छोड़ने के बारे में मत सोचिए, गलती में नींद में भी बेटा, ठीक है, गलती से नींद में भी आप इसको छोड़ने के बारे में नहीं सोचिएगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला होता है। मतलब कि बेटा यहां से आपको 8 अंक के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जिनमें से बेटा देखो जिनमें से हर एक बच्चे के सेट के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस दिखेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान से वापस से पॉइंट को सुनना, हर एक बच्चे के क्वेश्चन सेट के अंदर, क्वेश्चन सेट ए, सेट बी, सेट सी के अंदर अलग अलग क्वेश्चन दिखेंगे इस चैप्टर के। क्यों, इसके पीछे का रीजन बेटा, यहां से 2 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 8 अंक होते हैं, और 3 अंक के भी क्वेश्चन अलग अलग होंगे और 2 अंक के क्वेश्चन भी अलग अलग होंगे हर एक सेट के अंदर। तो हमको कुछ इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, ध्यान सुनना। अमोनिया का जो कथनांक होता है फॉस्फिन से अधिक होता है, क्यों, ये कुछ हमारे क्वेश्चन है। ये हमारे जो समुद्री गोताखोर जो होते हैं गहरे समुद्र में श्वसन के लिए N2O2 के मिश्रण का उपयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इसके पीछे मैंने रीजन बताया बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हीलियम का उपयोग क्या होता है बेटा, उत्कृष्ट गैस क्या होती है, जो हमारे ग्रुप नंबर 18 का जो एलिमेंट होता है उसी को हम लोग उत्कृष्ट जो है गैसेस बोल रहे होते हैं, उत्कृष्ट एलिमेंट बोल रहे होते हैं, नोबल गैसेस बोल रहे होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? समझ में आया? तो यहां पे उत्कृष्ट गैसों के बारे में बात की। ये निष्क्रिय क्यों होता है भैया, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो ऑर्बिटल होता है ना वो फुल्ली फिल्ड होता है, उसमें कोई भी जो है खाली जगह नहीं रहती, खाली स्पेस नहीं रहता, खाली ऑर्बिटल नहीं रहती, पूरी पी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड, तो इसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। वो कंप्लीटली फिल्ड भी है, स्टेबल है, मजे में, संतुलित अवस्था में, तो क्या उसको फिल्ड करेगा, क्या उसको जरूरत है, किसी को लेने की जरूरत ना किसी को देने की जरूरत, संतुलित अवस्था में, तो वो क्या होता है बेटा, हमारा उत्कृष्ट गैसेज होती है।
बहुत सिंपल, बहुत सिंपल बच्चों सा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? इसके ऑक्सीकरण क्षमता का क्रम लिखिए। बेटा हैलोजन जब मैं पढ़ाया हुआ था तो हैलोजन के अंदर भी मैंने आपको बताया कि हैलोजन क्यों जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्लियर बच्चे, समझ में आया? क्योंकि हैलोजन जो, हैलोजन क्या होती है? हैलाइड्स ग्रुप होते हैं हमारे, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जो होते हैं वो हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट कहलाते हैं, हैलाइड्स ग्रुप कहलाते हैं। उस हैलाइड्स ग्रुप में बच्चे हमको जो है, जो हमारा वो जो ग्रुप नंबर 18 से जस्ट एक पहले आता है, उसको जो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होने के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। उसी एक इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए वो अपना हाथ पैर चलाता है, मतलब भैया इधर उधर तड़पता रहता है, और उसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे मिल जाता है वो संतुलित हो जाती है। इसलिए बेटा वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक तो मतलब किसी भी लोगों को, किसी भी एलिमेंट को, लोग मैंने यहां पे बोला इसलिए क्योंकि यहां आपको जल्दी से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को वो जल्दी से क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे वो खुद स्टेबल हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है। समझ में आया बेटा? इस तरीके से आपको कहना है हमारा जो है हैलोजन जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया? उम्मीद करो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन। अब बच्चे तीन अंक के लिए हम बात करते हैं। तीन अंक के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक करने होंगे और बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। देखो बच्चे, ये जो चैप्टर है ना, इसको बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हुए वीडियो सीरीज लेके आए थे, एग्जाम सीरीज लेके आए थे, उसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट जब देखोगे बेटा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात किया, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्लियर सारे बच्चों को? तो आपको उस टॉपिक के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। देखो उस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से आपको जो है एग्जाम में लिखना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से अंक जो है गेन कर सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा। अब देखो अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक, जब आप हैलोजन पढ़ोगे बेटा तो उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है अंतर हैलोजन यौगिक। वहां पे भैया कुछ हैलोजन से कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, उस कंपाउंड्स को अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। उसको आप करके जाना, डेफिनेटली करके बनाना, ठीक है, एटलीस्ट ओवरव्यू एक बार लेके जाना। क्लियर सारे बच्चों को? अब बच्चे मैंने आपको क्लोरीन का विरंजक गुण के बारे में बताया हुआ है, क्लोरीन का विरंजक गुण कैसे होता है इसके बारे में बात किया। अब बच्चे मैंने ऑक्सियम तो डेफिनेटली बताया, ऑक्सियम तो इसको भैया स्टार बना के लिख दो, इसको तो स्टार बना के लिख दो, ठीक है, इसको स्टार बना के लिख दो, क्योंकि हमारे ऑक्सी अम्ल के बारे में बात करता हूँ। इस ऑक्सी अम्ल में बच्चे मैंने आपको तीन ऑक्सी अम्ल बताया है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल और सल्फर का ऑक्सी अम्ल, ठीक है। इसको कैसे बनता है, कैसी चीजें होती है, इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो अगर वीडियो लेक्चर देखना है बेटा तो आप वहां से प्रीफर कर सकते हो, अगर आपको बिना वीडियो लेक्चर देखे आपके नोट से प्रीफर कर सकते हो, आपके नोट से पढ़ सकते हो तो वहां से भी कर सकते हो। मुद्दा ये है बेटा, मुद्दा ये है कि आपका जो अंक है एग्जाम के अंदर वो बेहतरीन आनी चाहिए। आप कहीं से तैयारी करो, कैसी भी तैयारी करो, आपके जो शेड्यूल है, आपका जो टाइम है, आप कैसे भी लगाओ, लेकिन एग्जाम में अंक बहुत बेहतरीन आने चाहिए, मुद्दा ये है, ठीक है। क्योंकि अंक ही डिसाइड करेंगे आप कैसे तैयारी करें, ये भी मैटर नहीं करता बेटा, एट द एंड आपका रिजल्ट ही डिसाइड करता है कि आपने क्या किया है पूरे साल भर। समझ बच्चे? तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, और मैंने सारे कंसेप्ट आपको बताया हुआ है बेटा। अब देखो हैबर विधि, ओस्टावल विधि और सीमेंस का ओजोनाइजर विधि, ये तीन विधियों के बारे में मैंने आपको बताया और बहुत अच्छे से बताया, और तीनों के तीनों विधि जो होती है, एटलीस्ट बेटा ये जो हैबर विधि और ओस्टावल विधि, ये दोनों विधियां जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो भाई, लिख लो, अपने कॉपी के अंदर लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों विधियां जो आती ही आती है एग्जाम के अंदर। मान लो भाई यहाँ से हैबर विधि एक सेट के अंदर आ रहा है, दूसरे सेट के अंदर ओस्टावल विधि आ रहा है, और तीसरे सेट के अंदर भैया सीमेंस की ओजोनाइजर विधि आ रही है, ठीक है। मजे है, मैंने आपको सारी चीजें कराई हुई है, आपके तो मजे हो गए भाई, सारी चीजें मैंने कराया है, कई बच्चों को पता भी नहीं होगा अभी सारी चीजें, ठीक है। आप जो है अभिप्सा के साथ जुड़े हुए ना, तो आपके बहुत फायदे हैं भाई, बहुत फायदे, ठीक है। आपको तैयारी हो चुकी है एग्जाम सीरीज के अंदर, हम लोग सारी चीजें करा चुके हैं, बस आपको सिद्धत से पढ़ने की जरूरत है। सिद्धत से जिस दिन पढ़ लिया ना बेटा, ठीक है, सिद्धत से जिस दिन पढ़ लिया उस दिन आपके चांदी चांदी हो जाएगी, बहुत मजे आएंगे आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं बेटा अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा होता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब बच्चे मैं वापस से वही चीजें आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि भाई आपको पीरियोडिक टेबल देख लेना है, पीरियोडिक टेबल देख लेना, एटलीस्ट एक बार पीरियोडिक टेबल देखना, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखना, उसकी प्रॉपर्टीज देखना। मतलब पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कैसे जाते हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं तो कैसे उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें जो है आकार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसी चीजें होती है। जब हम 4D सीरीज के अंदर जाते हैं तो हमारा जो परमाणु आकार जो कैसे होता है, 5D में जाते हैं तो भैया परमाणु आकार छोटा क्यों हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो हम लैंथेनम सीरीज होती है, एक्टिनम सीरीज होती है, वो सीरीज कैसे बनती है, वो कौन कौन से जो है आवर्त से लेकर भैया हमारे जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी लैंथेनम सीरीज होती है, एक्टिनम सीरीज होती है, बन रही होती है, इसके ऊपर अपन बात करी है हुए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात किया हुआ है बच्चा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और यहां पे आपको 5 अंक के क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, 5 अंक के क्वेश्चन, बहुत सिंपल और बहुत इजी बेटा, 5 अंक के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपकी बोर्ड्स भैया, बोर्ड्स का जो फेवरेट
ठीक है, आपकी बोर्ड्स का जो फेवरेट टॉपिक है बेटा ये होता है लेंथेनाइट। लेंथेनाइट क्या होता है, लेंथेनाइट को पृथक करने की कठिन क्यों होती है, मतलब बेटा यहां पे भी आपको क्या लिखना है, सॉरी मैं बताता हूं पहले उसके बाद बात करते हैं लेंथेनाइट संकुचन क्या होते हैं। देखो जब लेंथेनाइट क्या होता है, इसकी पृथक करना क्यों कठिन होता है, अगर ये क्वेश्चन है तो भी आपको बताना है भैया किसके बारे में, लेंथेनाइट संकुचन के बारे में। और लेंथेनाइट संकुचन के बारे में तो डेफिनेटली आपको लेंथेनाइट संकुचन के बारे में बताना होगा, क्लियर सारे बच्चों को। और यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, कुछ छोटे क्वेश्चन देखो, मान लो भाई ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए दे रहे, उसके अथवा में तो कुछ ना कुछ आएगा, तो अथवा के तौर पे बेटा आपको संक्रमण तत्व तो किसे कहते हैं ये पूछा जाए, या फिर बेटा इसको उदाहरण कुछ पूछा जाए, या फिर बेटा मिश्र धातु क्या होती है इसके बारे में पूछा, या फिर बेटा आपको ये पूछा जाए कि डी ब्लॉक की मैं बोल रहा हूँ बेटा, उसको आप लोग नोट भी करते चाहिएगा साथ ही साथ, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन होने का एटलीस्ट एक जो है बहुत प्रमुख रीजन है बेटा क्या होता है हमारा, जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है, वहां पे जो हमारा एलिमेंट होता है रंगीन पाया जाता है, रंगीन पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, वहां पर रंगीन प्रकृति, रंगीन जो है हमारा एलिमेंट होता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया होगा उम्मीद करो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जंप करते हैं। अब बच्चे ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा जो है उपसंयोजन यौगिक, इस चैप्टर से हमको 3 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहां से 3 अंक, ठीक है। अब 3 अंक के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो अब वापस से सेम फंडा बेटा, 3 अंक जो है हर एक सेट में अलग अलग होगा, ठीक है, हर एक सेट में अलग अलग होगा। लेकिन बच्चे मैं आपको बता दूं कि जब आपको आईयूपीएससी अगर आपके सेट में दिया तो तीनों सेट में आईयूपीएससी आएगा, कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है बोर्ड फॉलो करता है, ठीक है। तो आप ये कभी भी घबराइए मत कि भैया आपको जो है कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, सेट बी के अंदर जो है इजी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। क्या होता है देखो ध्यान से समझो कि भैया अगर आईयूपीएससी को जो है सेट ए के अंदर दिया है तो सेट बी सेट सी के अंदर भी आपको आईयूपीएससी नाम पूछा जाएगा। तो आप लोग बच्चे आईयूपीएससी नेमिंग कल्चर बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाइएगा, और मैंने आपको जो है वीडियो लेक्चर के अंदर ये भी बताया हो कि आईयूपीएससी नेमिंग कल्चर कैसे होता है कंपाउंड्स के, इसके बारे में भी आपको बताया बेटा एक डेफिनेटली भैया बहुत गजब तरीके से बच्चे मैंने वीडियो दिया हुआ है। अगर जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर को फॉलो किए हैं, सारे मेरे जो सीरीज को केमिस्ट्री की सीरीज को फॉलो किए, तो एटलीस्ट उनके तो भैया 50+ 60+ तो आने ही वाले, डेफिनेटली आने वाले, क्योंकि वो जो बच्चे एकदम सीधा से तैयारी किया होगा ना, मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे, वो सारे लेक्चर भैया बहुत ही सफिशियंट है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। देखो बच्चे आईयूपीएक जो है आपको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको करने समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भैया याद करने वाली कोई चीजें नहीं होती, यहाँ से जो क्वेश्चन बच्चे एक बात यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से रिपीट नहीं होते हैं, क्या बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं होते, कोई भी कंपाउंड देते हैं तो वो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते, हर बार अलग अलग क्या होता है बेटा कंपाउंड्स आते हैं, कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया। अब अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं बेटा, जो होता है आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में समावयता, क्या बेटा समावयता बोल रहे, तो समावयता के अंदर बेटा हमको सिर्फ 4 जो है समावयता पढ़नी पड़ेगी, 4 समावयता पढ़नी पड़ेगी। पहला जो समावयता बेटा आयनन समावयता, जो कि मैंने आपको डेफिनेटली बहुत सुंदर तरीके से बच्चे जब हमारे मेरा जो है सेपरेट जो है एक सेपरेट शायद अपन ने किया हुआ है, ठीक है, किया हुआ। अब बच्चे अपन जो है सेपरेट जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया कि समावयता कैसी चीजें होती है, समावयता को हम बढ़ते कैसे हैं, इस सारे जो डिफरेंस क्या होती है उसके बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना बच्चे आपको कराया हुआ है, ठीक है। अगर बस बच्चे आपको करना है, रिवाइज करनी हो, तो एटलीस्ट उस वीडियो को जाके 2x में करके 1.5x में करके स्पीड बढ़ा के बेटा आप उसको देख सकते हो, जिसके आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, और फटाफट आप उसको रिवाइज कर दोगे। और वापस से बेटा याद रखना, जब भी वीडियो लेक्चर देखते हो कोई भी चैप्टर के, मेरे कोई भी चैप्टर के जो है या एक बात याद रखना, कोई भी चैप्टर के मेरे जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो या फिर कोई भी किसी भी चीज़ों के देख रहे हो, तो एक बार यूट्यूब से देखने के बाद उसको वापस से रिवाइज करना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जाम में। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया। तो यहाँ पे बेटा आयनन समावयता, बंध समावयता, हाइड्रेटेड समावयता और उपसंयोजन समावयता, इस प्रकार से बेटा हमको 4 समावयता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़नी है। देखो बच्चे मान लो आईयूपीएक दे तो तीनों में आईयूपीएक दे, हम ये नहीं बोल सकते कि यही आने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर्स ये नहीं बता सकता कि भाई यही क्वेश्चन आ रहा है, हमको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, हमको सारी चीज़ अच्छे से समराइज करके पढ़ते हुए चलना है। क्लियर समझ बच्चों को, ठीक है। अब देखो आयनन समावयता, बंध समावयता, ठीक है, हाइड्रेटेड समावयता, उपसंयोजन समावयता, ये सारी चीजें समावयता आपको मैंने कराया, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीबीटी, जिसको हम बोलते हैं बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर भैया हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, ठीक है। तो ये हमारा जो वीबीटी होता है, इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को समझाया है, और उसके अंदर जो हमारा वीक जो है, वीक लिगेंड कैसे होता है, स्ट्रांग लिगेंड कैसे होता है, इसके बारे में मैंने बात किया, और उसको जो स्पेयरिंग होती है, जो फैलता है, जो इनके बीच में जो
जुड़ाव रहता है वो कैसे होता है, इसके बारे में भी मैं बात किया हुआ हूँ। क्लियर है, सारे बच्चे को समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर हमको कौन से कंसेप्ट, कई सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर वीबीटी तो मेरे को पता है लेकिन यहाँ से मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो कि एग्जाम में आए। अब बच्चे मैं कैसे बताऊँ ये बताओ, ठीक है मैं क्या बता दूँ, ठीक है मैं क्या बताऊँ, निकिल हेक्सा कोबाल्ट को बता दूँ, ठीक है मैं क्या कॉपर क्यूप्रेट को बताऊँ, क्या बताऊँ मैं, ठीक है ऐसा कोई भी टीचर नहीं बोल सकता बेटा, ध्यान रखना आपको कंसेप्ट समझना होगा, आपको फ्लो समझना होगा कि आपको कैसे चीज़ें होती है। और वो अगर फ्लो समझना है बेटा तो आपको मैंने वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, आप उस वहाँ से जाके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है मैं आपको क्या बता, देखो एक टीचर का जो जिम्मेदारी होती है ना वो क्या करता है, ठीक है आपको राह दिखाता है, राह दिखाता है बेटा, ठीक है वो क्या करेगा राह दिखाएगा, ये रास्ते पे जाओ बेटा ये आपके लिए सही है, इस तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है जो मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप पढ़ोगे, ये कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, इस तरीके से एक टीचर जो है रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जिस दिन कोई टीचर आपको बोले कि ये क्वेश्चंस आने वाले, एक क्वेश्चन दे दे बेटा यहां से कोई जो है कंपाउंड्स बना के दे और कंपाउंड्स को बोले कि ये कंपाउंड्स आने वाले हैं, तो भैया आप समझ जाना वो टीचर्स भैया कुछ ना कुछ तो धोखाधड़ी चल रही है उधर, ठीक है कुछ ना कुछ धोखाधड़ी चल रही है। क्लियर सारे बच्चों को, तो कोई भी टीचर्स ये ऐलान नहीं कर सकता भैया, इनको कुछ पता भी नहीं होता भैया, आपको नहीं पता मेरे को भी नहीं पता कि कौन सा सेट आने वाला है, कौन सा क्वेश्चंस आने वाली है, ठीक है सब तो अभी भैया क्या है हमारे क्या है इमेजिनेशन है भैया, कुछ भी हम सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आएगा ये आएगी, ठीक है ये आएगा ये मैं बना दूंगा वो बना दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जिस दिन रियलिटी पे आओगे ना उस दिन पता चल जाता है कि चीज़ें कैसे चलती हुई है, ठीक है कोई भी टीचर्स ये दावा नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे सकता हूँ, ठीक है ये टॉपिक्स बता सकता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपकी मेहनत डिसाइड करती है कि आप कितना जो है डिजर्व करते हो, आप जितनी मेहनत करोगे बेटा आपको उतने अंक मिलने वाले हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। और याद रखना मैं बार बार आपको ये रिवाइज कराते जाऊंगा, हर बार आके ये डायलॉग मारूंगा बेटा, ठीक है कई बच्चे बोल रहे होंगे सर यही डायलॉग क्यों मार रहे हो बार बार, ठीक है तो बच्चे बार बार ये डायलॉग बोलूंगा, आपके दिमाग में छपनी चाहिए डायलॉग, ये लास्ट मौका है केमिस्ट्री का, लास्ट मौका है केमिस्ट्री का, इसके बाद बच्चे आपको जो है 12th क्लास में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखना वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ टाइम और मिल जाता, हमको पढ़ने के लिए और टाइम मिल जाता, हम शायद ये क्वेश्चन बना लेते तो मेरा जो अंक है एग्जाम के अंदर 65 था वो शायद 70 पहुंच जा रहा था, ये क्वेश्चन मैं कर लेता तो आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए था, ठीक है हमको सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन कर लो लेकिन मैंने ही नहीं किया था, कुछ इस तरीके से रिग्रेट आपके दिमाग में मन में नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर। इसीलिए मैं बार बार आपको ये बोलता रहूंगा, आपको दिमाग में ये छपाता रहना चाहिए कि भाई आपको ये आखिरी मौका है, इसको करके जाना है, बहुत सिद्ध करना है भैया, इसको साकार करना है, अपने माँ बाप का जो नाम है बेटा रोशन करना है, ठीक है बच्चे। इस प्रकार हम लोग पूरा चैप्टर नंबर 9 के बारे में समझ गए। अब बच्चे अपन जो है, ठीक है इस तरीके से बच्चे अपन पूरा चैप्टर नंबर 9 खत्म किए, अब इसके बाद बच्चे अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार बच्चे हमारा जो फेज 3 था वो अपन ने पूरा कर दिया है, पूरा का पूरा पढ़ लिया अपन। फेज 3 क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको 4 चैप्टर्स के बारे में बताया और फेज 3 पूरा कंप्लीट कर दिया बेटा। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम कहने का मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस हिसाब से काफी टाइम है, और इसको पढ़ने में आपको मैंने 6 घंटे दिए बेटा, 6 घंटे समझ रहे हो बेटा, इस पूरे चैप्टर्स को करने में, पूरे जो 4 चैप्टर्स है उसको करने में मैंने आपको 6 घंटे दिए। 6 घंटे में आप इनफ टाइम है बेटा, इसको 6 घंटे में इजिली कर दोगे। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि 6 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। क्लियर है बच्चे, ये आपके लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, यहाँ से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर सारे बच्चों को, ये आपके लिए मास्टर स्ट्रोक बन सकता है बेटा, आपका जो परसेंटेज है ना वो बहुत हाइक हो सकता है, बहुत बढ़ सकता है, इसको आप शिद्दत से पढ़ना बच्चा, शिद्दत से पढ़ना, ठीक है। इस प्रकार बच्चे हम लोग पूरा का पूरा जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिए, अब इसके बाद बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जंप कर रहे होंगे, फेज 4 में हम लोग जो है अपनी जो है हाजिरी जो है दे रहे होंगे बेटा। इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर जो है सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, और जिन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा बच्चे वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और बोलेंगे सर मजा आ गया, बस बेटा ये लिख दो मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि सारे बच्चे फील कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चा मजा आ गया, ठीक है बच्चा। इस प्रकार से अपन बात करते हैं, वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे, बाय बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।